मेरा नाम आमिर खान है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम भोपाल गैस कांड के इस संगठन से जुड़े हैं और इस संगठन में हमने एक अपना नया संगठन बनाया है जिसका नाम है डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे। और हम ऐसे ही बच्चों से मिलेंगे जो डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे के संगठन से जुड़े हैं, जो कि अपने साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस संगठन की लड़ाई को भी जारी रखे हैं और बाकी अपना काम पूरा कर रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम साफरीन है। अच्छा, और आप स्कूल पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ। और आप भोपाल गैस पीड़ित संगठन से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जो हम लोगों का संगठन है डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे, उसमें हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और आप अपनी पढ़ाई किस तरह पूरी करते हैं और अपनी लड़ाई आप किस तरह जारी रखते हैं या जारी रखे हैं? हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ और भी हम लोग काफ़ी बच्चे इसमें जो सभी पढ़ाई करते हैं। हम लोग पढ़ाई अपने पढ़ाई के टाइम पर करते हैं। हम लोग सुबह सब्जेक्ट स्कूल जाते हैं, स्कूल में हम लोग के 6 सब्जेक्ट हैं, हम लोग 6 सब्जेक्ट पर पढ़ाई करते हैं। लंच में लंच भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ। और है ना, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम अपनी मिस से परमिशन लेते हैं, हमें उनसे इजाज़त लेना पड़ती है कहीं जाने के लिए। अभी मैं अमेरिका गई थी तो मैंने वहाँ पर भी मिस से इजाज़त ली थी जाने के लिए और मिस ने हम लोग का पूरा सपोर्ट किया। और अगर हमें कहीं प्रोग्राम होता है, अगर हमें छुट्टी चाहिए होती है तो हम उसके बारे में उनको बताते हैं कि हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें इसके लिए छुट्टी चाहिए, तो वह हमें उसके लिए छुट्टी भी देती है। और स्कूल के लिए है ना कुछ काम करना पड़ता है, अगर स्कूल का ज़्यादा हो जाता है तो उस पर कुछ सपोर्ट भी करती हैं। अगर हम संगठन की वजह से कोई पढ़ाई मिस कर देते हैं, मैथ हमें समझ में नहीं आती है तो हम दोबारा उनसे पूछ भी सकते हैं। कि संडे के रोज़ मीटिंग होती है, हम सभी बच्चे संडे के रोज़ मीटिंग लेते हैं 12 बजे से 2 बजे तक, और इसमें हम सभी गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और है ना इसमें सब तय करते हैं कि हमें अगले 7 दिनों में क्या करना है। मेरा नाम यासमीन है, मैं पानी पीड़ित बस्ती में रहती हूँ। बस्ती का नाम है शिवनगर कॉलोनी और है ना हम बच्चों के संगठन से जुड़े हैं जिसका नाम है डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे। आपको भोपाल के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पर गैस निकली है और इसको जानने के बाद आपको क्या लगा? मेरे को गैस के बारे में मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि है ना 1984 में गैस निकली थी, उससे हज़ारों लोग मारे गए थे, लाखों करोड़ों लोग अभी भी बीमार हैं। और जो डाउ कंपनी ने गैस लीक हुई थी जिस कंपनी से, उसी कंपनी ने है ना कचरा ज़मीन के नीचे दबा दिया था, जो कचरा अभी भी दबा है उसी वही कचरा से जो पानी गिरता है, उसी कचरे से पानी प्रदूषित हो रहा है, जहर वही पानी हम लोग प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ी विकलांग हो रही है, जैसे किसी के ओंठ नहीं है, किसी के तालू कटे हुए, किसी के उंगलियां जुड़ी हुई है, ऐसे विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आप इस संगठन में क्या क्या करते हो? हम इस संगठन में भोपाल से दिल्ली हमने पदयात्रा की थी 2008 में, 1 महीना 8 दिन में पहुँचे थे और हमने प्रधानमंत्री के घर के सामने जंजीर डालकर कार्यक्रम किया था। और फिर हमने इंडिया गेट पे कार्यक्रम किया था मोमबत्ती लेकर, फिर प्रधानमंत्री के कार्यालय पे कफन ओढ़कर कार्यक्रम किया था जिसमें महिलाएं भी थी, कुछ बच्चे भी थे। और उदय से कार्यालय से फिर पुलिस हम लोग को ले गई थी और है ना धरने पर 6 लोग थे जिसने धरने पर भूख हड़ताल रखी थी, उसमें हम बच्चे भी शामिल थे कि हमने 24 घंटे की भूख हड़ताल करी थी और हम लोग भी है ना उनके साथ थोड़ा सपोर्ट करा था। और है ना जो बच्चे फिर हम लोग की मांगे पूरी हो गई और फिर हम लोग भोपाल आए जिसमें से हमारी मांगे कुछ मानी नहीं गई। फिर 2 बच्चे और 2 बड़े अमेरिका गए, अमेरिका में है ना उन बच्चों ने रैली निकाली, अमेरिका वालों ने सपोर्ट दिया उनका। और हम हमारे इधर 9 तारीख थी जब, और उधर ही इधर 350 बच्चे होंगे और है ना इधर हमने अमेरिका के साफरीन है और मैं गुप्ता नगर में रहती हूँ। जो बच्चों का संगठन है डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो आप अमेरिका क्यों गई थी?
हम अमेरिका भोपाल के बारे में बताने गए थे वहाँ के सभी लोगों को और वहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर लोग वहाँ यहाँ की जानकारी देने गए थे और वहाँ के लोगों से यहाँ के लिए सपोर्ट लेने गए थे। तो आपने अमेरिका में क्या किया जाकर? हमने यहाँ से जाकर सभी लोगों सब स्कूल कॉलेजों में जाकर और भी लोगों को उसके बारे में भोपाल के बारे में बताया और सेनेटर और कांग्रेसमैन से मिले और उनसे हमने दो मांगे रखी थी कि ना एक मीटिंग की जाए जिसमें ना डाव के लोगों और भोपाल के लोगों जिसमें डाव से पूछा जा सके कि उसने भोपाल की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली है और एक जो साइन का था हम लोगों का कि ना साइन कर करके सब जन सेनेटर और डाव को भेजाएं। तो हम लोग ने यही मांग रखी थी और काफ़ी लोग सेनेटर और कांग्रेसमैन ने वहाँ के लोगों ने हमारा सपोर्ट भी किया और अभी तक हमें है ना मतलब कई ज़्यादा सेनेटर हम लोग का सपोर्ट कर चुके हैं। कितने अभी तक कितने सेनेटरों ने आपका सपोर्ट किया है? 22 या 23। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम साफरीन है। मेरा नाम आमिर है। मेरा नाम यास्मीन है। और हम चारों भोपाल के इस काइंड संगठन से जुड़े हैं जिससे हमने अपना एक नया संगठन बनाया है जिसका नाम है डाउ कार्रवाई के खिलाफ बच्चे और इस फिल्म को हम चारों बच्चों ने बनाया है और इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस संगठन में क्या क्या काम करते हैं और इसकी पूरी जानकारी के लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप bhopal.net पर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप सभी लोग हमारे साथ आ जाएं।